नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं आपके साथ अतिथि चौहान। खबर आ रही है जेडीयू से, जहां एलजेपी के राजकुमार सिंह ने जेडीयू ज्वाइन कर लिया है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ली है। जब राजकुमार सिंह से पूछा गया कि उन्होंने एलजेपी क्यों छोड़ दी, तो उनका कहना था कि एनडीए का पार्ट मैं बहुत पहले से होना चाहता था, लेकिन जो नीतियां एलजेपी की थी वह बिल्कुल स्पष्ट नहीं थी और एनडीए की विचारधारा मेरी विचारधारा से मेल खा रही थी, तो मैंने जेडीयू ज्वाइन कर लिया। आगे चिराग पासवान के बारे में पूछे जाने पर राजकुमार सिंह ने कहा कि चिराग पासवान से मेरा कभी लगाव नहीं रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेरे आदर्श रहे हैं और चिराग पासवान उनके बारे में क्या कहते हैं वह उनकी सोच हो सकती है, वह मेरी सोच कभी नहीं हो सकती। आगे उन्होंने कहा, एलजेपी के जीतने का कोई प्लान नहीं था और मेरी और चिराग पासवान के सैद्धांतिक मतभेद इसी कारण से थी क्योंकि मैं जीतने के लिए चुनाव लड़ा था। मैं लोजपा में था और अभी तक वह मुझे अपना नहीं मानते थे। राजकुमार सिंह ने बताया कि एलजेपी ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा था और उन्होंने एलजेपी को यही स्पष्टीकरण दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि विकास के लिए हमेशा वह राजकुमार सिंह के साथ हैं। वहीं मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राजकुमार जी से पहले से भी उनके अच्छे संबंध रहे हैं और उन दोनों ने पढ़ाई भी साथ में ही की है, इसीलिए पहले से भी राजकुमार जी और नीतीश जी के काम से काफ़ी नज़दीकियां रही हैं। मैं एनडीए का पार्ट था और एनडीए में होने की वजह से और पार्टी की जो हमारी नीतियाँ थी वो बिल्कुल ही स्पष्ट नहीं कि एनडीए में है नहीं है, तो मुझे तो एक स्पष्ट अपना निर्णय लेना था। मैं एनडीए में था तो मुझे लगा कि एनडीए के साथ जो मेरी विचारधारा मेरी मानसिकता से मेल खाती है मैं उसके साथ। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जो थे काफ़ी घमंडी, ये मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि चिराग पासवान जी से मेरा बहुत ज़्यादा कोई इंटरेक्शन कभी हुआ नहीं, इसलिए मैं इसका कोई जवाब मुख्यमंत्री के बारे में हमेशा वो भला बुरा कहते थे। अब बिहार में उसकी मैंने हमेशा भर्त्सना की है। मेरी निगाह में मैंने शुरू में भी कहा था जब आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया था कि मुख्यमंत्री मेरे आदर्श रहे हैं शुरू से, तो चिराग पासवान क्या उनके बारे में कहते हैं उनकी सोच हो सकती है, मेरी सोच ये कभी भी। राजकुमार जी हमारे साथ हमारे स्कूल के डेज से राजकुमार जी हमारे मित्र रहे हैं और स्कूल में हम लोग साथ थे, मैट्रिक हम लोग साथ किए हैं और एक अच्छे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, अच्छा व्यक्तित्व है। 2015 में जब हम कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उस समय भी ये पार्टी के से टिकट के लिए प्रयास किए थे, लेकिन हमारी सीट कांग्रेस को मिल नहीं पाई तो हम उनको मदद नहीं कर पाए थे। अब जब ये आए तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि नीतीश जी के नेतृत्व में ये काम करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। हमने नीतीश जी से बात किया और राजकुमार जी हम लोग के साथ आए और लोजपा ने इनसे स्पष्टीकरण मांगा था तो आज उसका प्रकटीकरण कर दिए माननीय राजकुमार जी ने, और हम समझते हैं कि आने वाले समय में बिहार के विकास में एक महती भूमिका का निर्वहन हम लोग से मिलकर करेंगे। अध्यक्ष जी, लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।